उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौशल विकास मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का पंजीयन कराएंगे संयोजित पोर्टल पे और उनकी जो आईडी बनेगी एम्प्लॉय आईडी उसको आप फीड कर देंगे हमारे पोर्टल पे। एम्प्लॉय है जो कर्मी है वो आपके एज इट इज कंटिन्यू कर जाए, केवल ऊपर ऊपर वेंडर चेंज हो लेकिन आप फंक्शनल लेवल पे जो एम्प्लॉयज है उनमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। इन्हें है उसके लिए जो ये प्रक्रिया बताई गई है इसके अकॉर्डिंग आप 5 लोग को लेके जब भी आप कोई वैकेंसी अपलोड करेंगे जितनी रिक्ति अपलोड करेंगे आप उतनी रिक्ति के 3 गुना सीट ओपन होगी इसके ऊपर, तो 5 के अगेंस्ट में 15 लोग आप दे पाएंगे ना कि 150 लोग लाभार्थी हमारे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही 15 लाभार्थी अप्लाई कर देंगे वैसे ही हमारा जो पोर्टल है वो लॉक हो जाएगा, वैकेंसी वाली लॉक हो जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें इनिशियल जो डेट है हम लोगों ने मिनिमम डेट सेट किया हुआ है 7 से, अगर कोई वेंडर चाहता है तो वैकेंसी अपलोड करने समय वो 7 से बढ़ा भी डाल सकता है, भाई कोई 10 दिन डाल दे 15 दिन डाल दे वो आपकी इच्छा है लेकिन 7 से कम नहीं कर सकते मिनिमम डेट 7 दिन की दी हुई है। इसमें ये हमारा होगा पहला चरण, पहले चरण में आपको 7 दिन यहाँ पर देखिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर हमारा पहला चरण में 7 दिन का रखा और हमने 15 वैकेंसी अपलोड की है, हमको 15 के 15 लोग पात्र लोग हमको मिल गए, उन्हें अप्लाई कर दिया और मेरी वैकेंसी 5वें दिन कट ऑफ हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उन 15 लोगों से हम इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू करके हम 15 से 5 लोग का चयन करेंगे। यहाँ पर एक आवश्यक बात यह है, इसको सब लोग ध्यान सुने, सारे सीडियो साहबान सब लोग ध्यान सुने, सबको मैं कहने जा रहा हूँ, जो 15 वैकेंसी आपने अपलोड की है उसमें से 5 लोग लेने के लिए आप बाध्य है। बहुत से भाग ये कर रहे हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 1/3 लोगों को नहीं ले रहे हैं, ये आपके ऊपर च्वाइस नहीं दी गई है, ये अनियमितताएं हैं, इसमें आप सब लोग जो है इसमें कार्रवाई की बात बन जाएंगे। इसीलिए जो आपको 3 टाइम्स वैकेंसी दी गई है उसमें से आप 1 टाइम वैकेंसी लेने के लिए आपकी बाध्यता है, आपको लेना ही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको एलिजिबल लोग नहीं मिले, क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन फिल्टर सेट की थी वो आदमी उस फिल्टर को मीट करके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरा करके ही आपके पास आया है। इसीलिए आप उसमें केवल ये कह सकते हैं कि भाई ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये कम अप्रोप्रिएट है, बट यू कैन नॉट से ही इज नॉट अप्रोप्रिएट। इसीलिए आपको उसमें चयन करने की बाध्यता है आपके ऊपर, ये सब लोग ध्यान दें कि ये इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप उसमें से ना लीजिए। नहीं मिल पाए पूरे लोग तो फिर वैसे कंडीशन में हमारा सेकेंड राउंड शुरू होगा, सेकेंड राउंड फिर से हमारा 7 दिन तक रहेगा मिनिमम, अगेन उसका लिमिट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो 10 दिन 15 डेज डिपेंडिंग ऑन बढ़ा सकते हैं। ऐसे सेकंड राउंड चलेगा, अगर सेकंड राउंड में लोग हमारे पूरे 15 सीट पूरी भर रही है, अगर पहले 8 बजे 3 बजे 15 भर गई हमारी तो फिर से हम आ जाएंगे 6 वाले बोर्ड में। अगर सेकंड राउंड भी बीत गया और हमको नहीं लोग मिल पाए, मान लीजिए बहुत मिले 2 लोग 10 लोग हुए 8 थे 2 अगले 10 हुए सेकंड राउंड में, अभी भी सीट खाली है, हम जाएंगे थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड लास्ट राउंड होगा जिसमें अगेन 7 डेज मिलेगा, अगर 7 डेज में वो लोग मिल जाते हैं इसके अंदर थर्ड राउंड में वेरी गुड, हम आ जाएंगे सिलेक्शन में। अगर इसके बाद भी हमको नहीं मिलते हैं रिक्वेस्ट लोग, मान लीजिए कि हमें और 2 लोग मिले, हमें 12 लोग ही मिले 15 के अगेंस्ट में मुझे 12 लोग ही प्राप्त हो पाए 3 राउंड के बाद, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा वो प्लेटफॉर्म 3 कैंडिडेट्स को रैंडम आधार पे दे देगा।